हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन कॉमर्स एजुकेशन पर स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन 15 सॉल्व करेंगे और ग्रुप सी है हम लोग का। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आप सभी को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात ये है कि ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है और यदि आप चाहते हैं कि सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व करनी आनी चाहिए तो आपको क्वेश्चन को समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। और मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को समझकर बनाते हैं तो आगे का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत कम समय में सॉल्व करनी है, ये नहीं कि इसको 5 मिनट 10 मिनट लगाना है, लंबा प्रोसेस से बना रहे, नहीं, आप सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समझिए मेरे साथ में क्या है। कर एक आदमी ने अपने धन का 35% पुत्र को और 25% पुत्री को दिया, शेष जो शेष बचा शेष का 50% एक स्कूल को दान में देने के पश्चात उसके पास 40,000 शेष है, बताइए उसके पास कितने धन था। सिंपल है स्टूडेंट, देखो समझो, पहले उसके पास 100% में से 35% पुत्र को दिया और 25% पुत्री को दे दिया, तो कितना हो गया 30 और 20 50, यानी 60% अपने बच्चों को दे दिया। और 60% में से जो बचा उसमें से, यानी कितना बच गया, तो 40% बचा। अब 40% जो ये बचा उसमें से 50%, यानी आधा कितना इसका 20%, 40 का आधा, देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहे शेष का, यानी बचा हुआ कितना है 40%, इसका आधा 50% कहाँ पे देता है, दान में दे देता है एक स्कूल को, ठीक है। और आधा बचा कितना, तो बचा कितना वो अमाउंट में बताया है 40,000 बचा हुआ, तो बताइए कितना है 40,000, अपने आप में कितना परसेंट है 20% है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, यानी इसका पास टोटल पैसा था कितना, तो इसको 100 से इंटू कर दिए। 1 सेकेंड का क्वेश्चन सॉल्व है, 0 से 0 कैंसल हो गया, 2 पचे 10 और ये 40,000 इंटू 5 इंटू कर दो, 5 चौक 20, यानी 2 लाख रुपया, आया समझ में, सिंपल हो गया। देखो फ्रेश से एक बार सॉल्व कर देते हैं, ये कितना अपने आप में है 20% और 100 से इंटू कर दो, 1 0 2 5 10 और 5 से इंटू कर दो, 5 चौक 20, 2 लाख रुपया, इसके पास वैल्यू कितना था 2 लाख रुपया था, ठीक है। देखो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। दिमाग को थोड़ा ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 2 मूलधन की ब्याज का योग 300 रुपया है तथा अंतर कितना है 60 है, तो दोनों मूलधनों का ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू का फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, यानी दो वैल्यू था मान के चलो, ऐसे हम शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा चलो इसको प्रोसेस से करते हैं। दो इसका मूलधन, यानी एक एक्स और दूसरा वाई, और दोनों का जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, दोनों का योग जो है कितना है 300 है, ठीक है। और दोनों का जो डिफरेंस है, यानी दोनों का जो इंटरेस्ट डिफरेंस है एक्स और वाई अंतर का है, कितना है, तो आप देख सकते हैं 60 है, ठीक है। दोनों को ये रेशियो बन गया, इसको काट देंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एडिंग करेंगे तो, और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 300 में 60 को माइनस कर देंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है। 240 को काट देंगे तो 8 3 का 24, है ना, वाई बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। वाई बराबर कितना हो गया 120, याद रखना वाई बराबर कितना आ गया 120, ठीक है। और अब वाई का वैल्यू आ गया 120, तो आप किसी में एक में वैल्यू पुट कर दो, दूसरा का आ जाएगा, तो सिंपल सा है। देखो वाई बराबर कितना है, यहाँ पे पुट कर देते इक्वेशन 2 में, वाई बराबर 120 है, ठीक है, वाई बराबर 120 है, ठीक है। और 120 को आप 60 में, यानी ये माइनस वाला जो है आप उधर ले जाएंगे, यानी इधर ले आएंगे 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 और 60 180 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 180, ठीक है, याद है ना। चलो थोड़ा मेरा पास जगह कम बचता है ना, तो x बराबर कितना आ गया 180 और y बराबर कितना आ गया 120, क्लियर हुआ है ना, ठीक है। y बराबर कितना आया था 120, हम किस इक्वेशन में सॉल्व किए, दोनों इक्वेशन में सॉल्व करते, देखो फिर से को बता देते हैं,
आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x प्लस वाई इक्वेशन नंबर वन में कितना था, 300 था, ठीक है। अब y बराबर कितना आया, 120 आया है। अब 120 को भी उधर ले जाएंगे, 300 में माइनस कर देंगे 120 को, तो कितना आएगा, 180 x बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। चलो, तो x बराबर कितना आ गया, 180, और y बराबर कितना आ गया, 120। अब हमें फाइंड क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो समझो, देखो क्या है, तो अब करनी क्या है, देखो 180 जो है एकदम सिंपल तरीका सॉल्व करना है। 180 जो है ये कितना परसेंट है अपने आप में, तो कितना परसेंट है, 5% है या नहीं। ये जो इंटरेस्ट है ये हम लोग का क्या आया है, इंटरेस्ट वैल्यू आया है। ध्यान रखना 180 और 120 क्या आया है, इंटरेस्ट आया है दोनों का, प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरेस्ट। तो 180 अपने आप में कितना परसेंट है, 5, इसको एवरेज कर देंगे तो, और हम क्या निकाल देंगे, 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, ये 180 अपने आप पे कितना परसेंट है, 5% है, 5 से डिवाइड कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो कैसे आता है, 5 तिया 15 और कितना बच गया, 3, 15 और 3 18 और 5 6 30, 5 तिया 15 और 5 6 30, ठीक है। 3 बैलेंस बचा हुआ था तो बन गया कितना, 30 बन गया, और 6 5 30 यानी 360 आ गया। अब ध्यान रखना 360 आपका प्रिंसिपल नहीं हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं हो गया। ये जो 360 आया है प्रिंसिपल, ये कितने सालों का, ये जो इंटरेस्ट आया 180 कितने साल का है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 साल का क्वेश्चन में बताया हुआ था, ठीक है। थोड़ा मेरा यहाँ पे नहीं दिख रहा, बताते हैं आपको हटाकर, देखो यहाँ पे बताते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कितना है, 4 वर्षों का ये 180 इंटरेस्ट आया हुआ था, तो 1 साल का इसको आप डिवाइड कर दो, यानी 4 से भागा लगा दीजिएगा, तो 4 9 6 36 यानी 900 रुपया। तो x का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, 900 आ गया, ठीक है, यानी x का प्रिंसिपल वैल्यू 900 आ गया। चलो सेकंड को देखते हैं, सेकंड यानी y का कितना है, 120 है, इसको भी भागा लगा दो कितना से, ये 5% अपने आप पे है, 100 से प्रिंसिपल पता चल जाएगा, कितना बार में कटेगा, 5 × 10 = 20 आ गया, और इसको कर दो, इधर मैंने काटा है ना 12, तो कितना आ जाएगा, 20 और 12 × 24 2400, और ये 4 से कर दो तो 4 6 24, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 600 आ जाएगा, ठीक है। तो x का कितना हो गया, 900, और y का कितना हो गया, 600, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। बहुत सिंपल तरीके से आप और शॉर्ट सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास खाली फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग तो इसको हार्डली 40 से 50 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो हम ये लिख कर बता रहे हैं, ये मोबाइल में सिर्फ किया जा रहा है, ये हाथ से सिर्फ हम इसको एक ऐप है उसके द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। पेन से तो और फास्ट होगा क्योंकि ये यहाँ पे दिक्कत होता है ना, लेकिन क्या करें। चलो देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, आओ देखो क्या है क्वेश्चन 17, पढ़ो। एक थोक विक्रेता ने एक मशीन 20% लाभ पर, क्वेश्चन समझना, सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप पढ़ने में जो लेट है। एक थोक विक्रेता ने एक मशीन 20% लाभ पर एक दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने इसे 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। मतलब एक जो थोक विक्रेता है 20% लाभ पर बेचा, किसको, रिटेलर को बेचा, कितना, रिटेलर को बेचा 20% लाभ पर, और रिटेलर जो कस्टमर को बेचा 25% लाभ पर बेचता, ठीक है। दुकानदार और थोक विक्रेता के विक्रय मूल्य में 1500 का अंतर पाया गया। मशीन का प्रारंभिक मूल्य बताया, यानी मशीन का जो स्टार्टिंग में वैल्यू कितना था, यानी जो थोक विक्रेता जो मशीन को बेचा 20% लाभ पर बेचा, तो उस समय उस मशीन का वैल्यू क्या था, कितना वैल्यू था, कोई लेट उठ मानना नहीं है, आप दिमाग लगाओ दोगे 100 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे दूसरा वीडियो ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेट मानो 100, तो ये अब इस तरीके से ये काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो देखो, दिमाग लगाओ फास्ट, ये जो 1500 रुपया है, ये 1500 रुपया जो डिफरेंट आया है,
किसका डिफरेंट है, तो ये जो सेलर यानी रिटेलर जो 25% प्रॉफिट लगाकर जो कस्टमर को बेचा है, ये तो आइए कितना परसेंट है, ये तो ये जो 1500 रुपया है ये अपने आप में कितना परसेंट है, 25% है यानी यस या नो बोलो, 25% है ये, ठीक है, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 25% है, क्योंकि जो रिटेलर जो है 25% पर बेचा है यानी 25% प्रॉफिट लगाकर बेचा है। और क्या बोला था क्वेश्चन, दोनों का अंतर है, ये दुकानदार और थोक विक्रेता के मूल्य का अंतर है, तो बताओ जो थोक विक्रेता 20% प्रॉफिट पर बेचा है, 25% पर ये बढ़ाकर बेचा है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 1500, तो बताइए जो 1500 अंतर होगा किसका अंतर होगा, तो रिटेलर ही ज्यादा, रिटेलर का ही ये वैल्यू है, ये 1500 एक्स्ट्रा में बेचा है, किससे, थोक विक्रेता से एक्स्ट्रा में बेचा है, कितना में, 1500 रुपया में एक्स्ट्रा में बेचा है, यानी 25% अपने आप में ये है, क्योंकि कितना परसेंट लगाया है रिटेलर, 25% लगाया है, तो 25% का जो अंतर है वो कितना है, 1500 है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू किसका फाइंड होगा, ये बताओ हमको समझ के, कितना परसेंट काटो, तो ये कट जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, और 15 चौका 60 कितना आ गया, 6000 आ गया, ये 6000 आया किस, क्या मतलब किसका प्रिंसिपल वैल्यू आया, ये स्टार्टिंग का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आया, ये सिर्फ किसका आया है, तो रिटेलर का आया, जो रिटेलर सामान बेचा ना 25% प्रॉफिट लगाकर, तो जो होलसेलर ने बेचा था 20% प्रॉफिट लगाकर, वो रिटेलर को कितना में पड़ा होगा, तो 6000 में पड़ा होगा। अब 6000 पर 25% प्रॉफिट लगाकर कौन बेचा, तो रिटेलर ने बेचा कस्टमर को, ठीक है, जो कि 1500 आया था, 1500 प्रॉफिट आया था, तो ये रिटेलर के पास कितना कॉस्ट हो गया, 6000 आ गया। अब ये जो 6000 है, ये जो 6000 है, ये अपने आप में कितना परसेंट है बताओ, ये तो कौन दिया था, होलसेलर दिया था कि नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था, ये बताओ इसको आप कर दो कितना से, 120%, ये कितना अपने आप में है, 120% है या नहीं बताओ, ये होलसेलर ने किसको दिया था, रिटेलर को, कितना में, 20% प्रॉफिट लगाकर, तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, बिल्कुल 120% है। आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो 100 से इंटू कर दो, काट दो, 10 इधर कट गया, और काटो 12 25 60, हाँ 12 25 60, ओहो कहाँ चल गए बाबू, 12 25 60, तो 5 10 यहाँ पे 10 लगा हुआ है और 20 इधर से, कितना हो, 30, यानी कितना आ गया, 5000 रुपया है, आए समझ में, 5000 रुपया, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझो, थोड़ा बढ़िया से देखो, ठीक है, कंजिस्टेड है, आप लोग कमेंट करो, यदि आप इस तरीके से समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं, आप जैसा कमेंट करेंगे मैं कॉपी में बनाऊंगा, ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व रहेगा बाबू, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, और आप भी जान लो कि आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे आपको कोई काम नहीं आएगा इन फ्यूचर में, ठीक है, आपको जब तक शॉर्ट तरीका नहीं सॉल्व करने का आएगा, तब किसी भी कंपटीशन में फाइट नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, इतना कंपटीशन ही है मार्केट में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 17 था, 18 देखो, फटाफट देखो, देखने में तो लगेगा बहुत टफ, लेकिन सेकेंडों में सॉल्व होगा, मेरा गारंटी है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। एक दलाल ने संपत्ति को आधा प्रतिशत दलाली लेकर बेच दिया, आधा दलाली यानी 1.2 यानी कितना, 0.5%, ठीक है, 0.5% कमीशन ले लिया, ये 0.5% कमीशन ले लिया, और शुद्ध प्राप्ति कितना हुआ, तो 15920 रुपया, कितना प्राप्त हो, 15900, बताओ बाबू ये कितना परसेंट है अपने आप, ये जो 15000 हटाते हैं, रुको, ये जो है, ये 15920 रुपये प्राप्त हो, कितना हुआ, आप मेरे साथ लगातार वीडियो, मेरे वीडियो को देखो, तुमको भी ये सब सारा समझ में आने लगेगा कौन क्या है, ठीक है, जब कंपटीशन करेगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, मेरा वीडियो लगातार देखो तुम, ठीक है, हर एक वीडियो को देखो, ठीक है, क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं। एक दलाल ने संपत्ति को आधा प्रतिशत दलाली लेकर बेच दिया, आधा यानी वन बाई टू यानी कितना परसेंट, 0.5%, तो बताओ जो बैलेंस बचा यानी 99.5% इसको पैसा मिला,
0.5% तो कमीशन चल गया, तो ये कितना अपने आप में है बताओ, कितना कितना 99.5% है अपने आप में, इससे भागा लगा दो। और क्या चाहिए देखो यहाँ पे क्या बोला है, अधिक्रेता 1/4% दलाली देता है। सोचो इसको मतलब ये जमीन का जो दलाली कर रहा है, एक तो 0.5 कमीशन लेकर दलाल ने सामान को बेचा और 0.5% कमीशन उधर से अपना बेचने में ले लिया, और फिर जो खरीदा उससे भी कितना परसेंट ले रहा है, तो 1/4% उससे भी ले रहा है। तो बताओ दलाल ने क्या प्राप्त किया, मतलब कितना प्राप्त किया। ठीक है, तो याद रखना कि 0.5% इधर कमीशन इसको मिल गया, इतना हो जाएगा, और 1/4% यानी टोटल ये दलाली का कमीशन हो जाएगा। तो चलो ये भागा लगाओ इतना में, ये देखो ये 15,920 भागा 99.5 और इनटू क्या कर दो 100 कर दो। ये आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 160 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 100 नहीं, इसको आप भागा लगाएंगे तो 160 यानी ये आपका आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप भागा लगा कर देख लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16,000 आ जाएगा, आप इसको भागा लगाएंगे तो 16,000 आ जाएगा। ये 16,000 आगे क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। अब देखो कितना में बेचा था, तो 15,000 कितना में बेचा था, याद रखना ये 16,000 रुपये आ गया, क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। थोड़ा हटा देते हैं इसको, या फिर रुको इरेजर से इसको मिटाते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा बना लेते हैं, लो ये जगह बन गया। ठीक है, तो कितना आ गया 16,000, 0.5% इसको कमीशन मिला हुआ है। देखो सामान कितना बेचा, 15,920 रुपए में बेचा था, 16,000 प्रिंसिपल वैल्यू, तो 80 रुपए ये कमीशन हो गया, यानी ये 80 रुपए आ गया 0.5% कमीशन का। ठीक है, 0.5% कमीशन जो बेचने में लिया, तो 15,920 रुपए प्राप्त हुआ था, तो 16,000 प्रिंसिपल वैल्यू था, तो 80 रुपए कमीशन हो गया, तो ये 80 रुपया हो गया। और 1/4% और किसे लेता है, तो किसे, क्रेता से लेता है, तो 80 रुपये याद रखना, ये हम हटा देते हैं पूरा, हटा दिए। ठीक है, 16,000 रुपया का 1/4%, ठीक है, इसे कितना आ जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और 4×16=40 रुपये इधर हो गया, तो 40 रुपये इधर मिल गया, क्रेता से मिल गया, और 80 रुपये बेचने पर आया था इसको, तो 80 और 20 120 रुपये इसका टोटल कमीशन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप फार्मूला याद रखते जाएंगे, याद रखते रह जाइएगा, भूल जाइएगा सारा, इसलिए कोई नहीं, थॉट प्रोसेस का यूज करो, दिमाग का लगाओ, 100% क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। ठीक है, ये लास्ट वाला देखो बाबू, लास्ट तो और भी इजी है लग रहा है, देखने में तो टफ लगेगा, आप देखना, जाके देखना प्रोसेस को, देखना इसका कैसे सॉल्व किया गया है, एक पेज चल जाएगा सॉल्व करेंगे इसको तो। ठीक है, एक पेज चले जाएगा, और हम लोग देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रत्याशी ने किसी चुनाव में 42% लिखो 42% मत प्राप्त किए और 24 मतों से हार गया, तो मतों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, मतों की कुल संख्या आप सिर्फ दो प्रत्याशी की कल्पना कर सकते हैं। लो देखो 42% इसको वोट मिला है, और 42% वोट मिला, और 24 मतलब 24 वोट से क्या हो गया, 24 वोट से हर जाता है ये। ठीक है, चलो 42% ही वोट पड़ा इसको। ठीक है, 42% वोट पड़ा, तो बाकी जो इसका अगला अगेंस्ट पार्टी जो था उसको वोट कितना पड़ा होगा, 58 पड़ा होगा, या इस जानो बोलो 58% वोट पड़ गया। ठीक है, अब बताओ इसका जो डिफरेंट है बाबू, डिफरेंट कितना आएगा, इसको करो डिफरेंट, तो डिफरेंट कर दोगे 42 और 58 में, तो आ जाएगा 16 आएगा ना, बिल्कुल आना चाहिए, हाँ 58 और 42 का अंतर करोगे तो 6 और 4 5 16 कितना आ गया डिफरेंट, 16 आ गया। बताओ तो कितना मत से ये हारा है, तो 24 मतों से हारा, ये जो 24 नजर आ रहा है ना, ये 24 आ रहा है अपने आप में कितना परसेंट है बताओ, ये कितना अपने आप में है, तो 16 है ये। ठीक है, 16 से इंटू करो और 100 से
मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आपका, काटो 16, 8 दुना 16 और 8 त्रिका 24 आ गया, और 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 150। टोटल वोट कितना, मतलब टोटल वोट का यहाँ पे संख्या बता रहा था, टोटल कितना आ गया 150 आ गया। समझ में आया सबको, यस या नो, फिर से बता दे। चलो एक बार फिर से देखो, रिपीट करते समझो क्वेश्चन को। एक प्रत्याशी ने किसी चुनाव में 42% मत प्राप्त किया और 24 मतों से हार गया, मतलब जो ये व्यक्ति जो 42% जिसको वोट पड़ा ना वो हार चुका है, ठीक है, कितना वोट से हारा है तो 24 वोट से हारा है, ठीक है। और जो अगला पार्टी जीता है ना वो कितना उसका वोट पड़ा होगा, तो 58% पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, बताइए जो डिफरेंट हुआ कितना का हुआ, 16 का। डिफरेंट कितना का हो गया, 16 का हो गया। ये जो 24 वोट है, 24 वोट से हारा है, ठीक है, जो 24 वोट से हारा है, अगर इसका भी देखो बाबू, ये 42 इसका भी वोट पड़ा और 42 इसको भी अगर पड़ जाता तो दोनों बराबर होता, लेकिन इसको कितना पड़ गया, 58 पड़ गया, तो 58 जो ज्यादा पड़ा है कितना पड़ा है, 16% पड़ा है, तो 16% कितना, ये जो 24 वोट से हारा है ना, ये 24 वोट इसको ज्यादा पड़ गया, तो ये जो 24 अपने आप में कितना परसेंट है, ये 16%, इसको 16 से क्या कर दो, इंटू कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से भागा लगाओ और 100 से इंटू कर दो तो आ जाएगा आपका कितना, जाएगा 150। ये आपका टोटल वोट था, यानी टोटल वोटिंग लोगों की कितनी थी, तो 150 वोटिंग थी, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा, यदि आया है तो कमेंट करो, और यदि आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा और इसको बढ़िया तरीका से सॉल्व किया जाए बोर्ड पर, ठीक है, तो आप कमेंट करना, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।